हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ पापिया। पापा के चैनल में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं घर पर बनाऊंगी पास्ता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए और यहाँ पे दे दिया है ऑयल। तो आप लोग जब भी पास्ता मतलब घर पर बना रहे हो तो ऑयल ज़रूर देना, जैसे बॉयल करते टाइम। तो यहाँ पे दिया है थोड़ा सा नमक और यहाँ पे कम से कम 300 ग्राम पास्ता है। तो यहाँ पे सारे पास्ता दे दिया है। पास्ता को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है। पास्ता को दोस्तों उतना पकाना है जैसे मतलब 20% जैसे इसमें कच्चा रह जाए। यहाँ पे देखिए, पास्ता बॉयल हो गया है। तो यहाँ पे कम से कम 80% तक मैंने इसको बॉयल किया है और 20% मैंने कच्चा रखा है। तो चलिए, इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लेते। तो दोस्तों, जब भी आप पास्ता जैसे बॉयल कर रहे हो और बॉयल करने के बाद इसको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से धो के इसको रख लिया है। और यहाँ पे मैंने दिया है कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल। और यहाँ पे मैंने दे दिया है जैसे लहसुन का कली। और लहसुन को मैंने 3 से 4 कली लिया था दोस्तों। यहाँ पे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो एकदम से जैसे कलर करके, ब्राउन कलर करके डीप फ्राई करना है, जो लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऐड किया है प्याज। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज यूज़ किया है। अब प्याज को मैंने बारीक चॉप नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे जो प्याज है इसको भी हमने जैसे मतलब ब्राउन कलर नहीं करना है, इसको भी हल्का सा सॉटे कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 गाजर ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए, गाजर को भी जैसे बारीक चॉप नहीं किया था तो इसको छोटा छोटा करके काट लिया है। तो जैसे गाजर, प्याज और जो लहसुन है इसको हल्का हल्का करके इसको भून लेना है। यहाँ पे मैंने दे दिया है 1/2 शिमला मिर्च। और सारी चीज़ों को और एक बार अच्छे से भून लेना है, मतलब सारी चीज़ों का जो कच्चापन है वो चला जाए और जो सब्जी है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दिया है नमक। यहाँ पे ऐड किया है चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने दिया है ओरिगैनो। और सारे चीज़ों को और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो गैस का सीम है वो बिल्कुल लो करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ पे जैसे 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह रख देना है। सब्जी को पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जो सब्जी है जैसे प्याज है, गाजर है, वो सारे चीज़ अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए, इसको एक प्लेट में रख लेते। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो इसका सब्जी है वो देख सकते हो आप लोग, जैसे इसका जो कलर है वो भी मतलब बरकरार है और जो सब्जी है वो भी सॉफ्ट हो गया है। तो फिर से मैंने यहाँ पे देखिए कढ़ाई में दे रही हूँ मैदा। और अब मैं बनाऊँगी सॉस। जो व्हाइट सॉस होता है जैसे पास्ता बनाने के लिए, वो काफ़ी लोगों का अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि कच्चा रह जाता है, किसी का जैसे मतलब ठीक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं माप बताऊँगी ना, वो एक्जैक्टली जैसे जितना मैंने बनाया है, वो आप लोग अगर इस तरह यूज़ करोगे तो बहुत ही बढ़िया आपका सॉस, वाइट सॉस जो होता है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिया है 4 चम्मच बटर। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिया है मैदा, जो वाइट मैदा होता है वो दिया है। और यहाँ पे देखिए, जैसे जो एग्जैक्टली जैसे माप है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आशा करते हैं आप सभी जैसे सभी लोग जैसे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैदा और जो बटर है इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। जो मैदा है उसका जैसे कच्चापन चला जाए, जैसे हम लोग घर पर हलवा बनाते हैं ना, तो मतलब जैसे बेसन का हलवा बनाता है तो बहुत ही अच्छे से जैसे भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मैदे को बहुत ही अच्छे से भून लेना है और इसका हल्का हल्का जैसे खुशबू आने तक उतना देर तक हमें भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने काफ़ी देर तक इसको मतलब भुना था और गैस का सीम मैंने बिल्कुल लो करके रखा था, क्योंकि मैदा को हमें जलाना नहीं है और व्हाइट सॉस में जैसे इसका कलर भी चेंज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको धीरे धीरे पका लिया है। और इसका जब तक मतलब अच्छे से फूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे आप लोग मतलब अपने आप ही देख सकते हो, जैसे जो मैदा है वो अपने आप जैसे फूलने लगा है। तो यहाँ इसका मतलब जो मैदा और मतलब है वो एकदम रेडी है और अच्छे से मतलब पक गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दिया है मिल्क। और यहाँ पे कम से कम मैंने 2 से 2.5 गिलास मैंने मिल्क ऐड किया है। और सारे चीज़ों को दोस्तों, इस टाइम जैसे गैस का सीम बिल्कुल भी ना मतलब हाई या मीडियम पे नहीं रखना है, बिल्कुल लो करके रखना है और ये काम जैसे कंटिन्यू इस तरह करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लिया है हैंड ब्लेंडर और इसके साथ मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे जो सॉस है वो एकदम क्रीमी टाइप का होना चाहिए, तभी आपका जो पास्ता है वो बिल्कुल सही बन के रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए कोई भी लम्स वगैरह नहीं है और एकदम बिल्कुल क्रीम की तरह रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो सॉस है वो कैस मतलब इसका जो टेक्सचर है वो कैस किस तरह है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको काफ़ी देर तक मैंने मतलब इस तरह ब्लेंड किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह कम से कम मतलब 2 से 3 मिनट तक मेरे को लगा है और इस तरह मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जो वाइट सॉस है वो बिल्कुल रेडी है और इसका जो थिकनेस है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ऐसे मतलब कितना थिक रखना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है जो हमने सब्जी पहले बना के रखा था वो ऐड कर दिया है और सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों कोई भी जैसे फर्स्ट टाइम बना रहे हो अगर आप लोग मतलब इस तरह पूरा वीडियो देख के बनाओगे तो आपका कभी भी मतलब ख़राब नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स कई लोग पूछते हैं जैसे हम लोग पास्ता तो बनाते हैं लेकिन वो ना चिपक जाता है तो वो मतलब खिला हुआ नहीं रहता एक एक के साथ। तो मैं कभी भी जैसे इसीलिए बोलती हूँ आप लोग कभी भी पास्ता बना रहे हो दोस्तों तो एक बार घर पर जैसे बॉईल करते टाइम उस टाइम जैसे ऑयल दे दोगे और जैसे पास्ता को एक बार अगर पानी से धो के रखोगे ना फिर उसके बाद जैसे ऑयल लगा के आप रख सकते हो कोई भी कंटेनर में, उसमें क्या होगा आपका पास्ता 2 से 3 दिन तक मतलब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक और यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑरिगेनो और सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और एक बार मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो ऐड किया है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कई बार नमक या मतलब यूज़ किया है तो नमक का आप लोग जैसे एक ही बार में नहीं यूज़ करना है, हर एक बार जैसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि जैसे सॉस है उसमें मैंने ऐड किया है जब बॉईल किया था तभी मैंने नमक का यूज़ किया था। जब बॉईल करते टाइम अगर आप लोग नमक यूज़ करोगे ना तो पास्ता में जैसे नमक का टेस्ट आता है तो तभी अच्छा लगता है और जैसे उसी टाइम जैसे नमक उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे चीज़ों का बैलेंस करके एक मतलब रेडी किया है और यहाँ पे देखिए जो हमारा पास्ता है वो बिल्कुल रेडी हो रहा है और कितना सुंदर लग रहा है दिखने में एकदम। आपको मतलब लगेगा कि जैसे हम कैफ़े में जाके जैसे रेस्टोरेंट में जाके जैसे वाइट सॉस पास्ता जो मतलब ऑर्डर करके खाते हैं ना बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार घर पर जरूर ट्राई करके देखना दोस्तों इस तरह। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक मतलब करना ना भूले। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है अमूल चीज़ और यहाँ पे मैंने कम से कम यहाँ पे मैंने अमूल का चीज़ 50 ग्राम के करीब मैंने ऐड किया है और देखिए मैंने यहाँ पे कवर करके रख दिया है होगा तो कोई बात नहीं। जो फ्रेंड्स यहाँ पे का मतलब है जो हमारा करने का मतलब पास्ता है कि वो और भी ज़्यादा हमारा चीज़ी बने वो और भी ज़्यादा देखिए यहाँ पे देख सकते मतलब पास्ता है वो सुंदर लग रहा है और हमेशा एकदम। तो यहाँ पे देखिए जो वाइट सॉस पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो मतलब वाइट सॉस पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब चिली फ्लेक्स दे दिया है और थोड़ा सा दे रही हूँ ऑरिगैनो मतलब जो हमारा पास्ता है वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो अभी तक जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।